रात रात सभी को वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो मैं बनाने वाला हूँ सुशांत सर का स्केच एंड गाइज, इनमें मैं लिप्स एंड पूरे फेस के पोर्शन को कंप्लीट करूँगा। एंड पिछली वीडियो में मैं उनका आई एंड नोज पोर्शन को कंप्लीट किया हूँ। एंड मेक श्योर कि आप लोग वो वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर आप लोगों वो वीडियो नहीं देखे तो गो एंड विजिट दैट वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो करते जल्द से स्टार्ट। सो गाइज, पिछली वीडियो में हम लोगों ने आईज एंड नोज का ट्यूटोरियल देखा था। आज की वीडियो में हम यहाँ पे पूरे फेसेस को कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में हेयर्स एंड नेक के पोर्शंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नोज़ के नीचे जो थोड़ा बहुत साइड वाले, उसके लिए मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। एंड उसके बाद हल्का सा बीयर्ड्स के लिए यहाँ पे थोड़ा आउटलाइन में हल्का सा डार्कनेस दे रहा हूँ। एंड फिर गाइज, उसके बाद जो चिक पोर्शंस है उस स्किन टोन के लिए, उसके लिए यहाँ पे आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सुशांत सर का जो चिक पोर्शंस है या फिर कोई भी स्किन टोन पोर्शंस है वो बहुत लाइट है, तो ज़्यादा डार्क नहीं है, क्योंकि वो थोड़े गोरे स्किन है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए हमारा काम यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल से भी चल सकता है। तो हल्का सा जो चिक पोर्शंस है उसमें 3D एपिसेट देने के लिए यहाँ पे हल्का सा मोनोज़ इरेज़र को यूज़ कर सकते हैं। एंड वो थोड़ा सा एक तरफा लाइट देगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एंड ये हम लोग का जो अट्रैक्टिव करेगा ये हमारे कोई भी स्केच को। तो आप लोग जब भी स्केच करें तो हल्का सा शैडो और लाइटनिंग का बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वही दो मेन चीज़ होता है जिसकी वजह से कोई भी स्केच होता है वो 2D ना लग के 3D लगता है। और गाइस, जितने भी यहाँ पे डिटेलिंग पोर्शंस है वो सबको कंप्लीट करना है। तो डिटेलिंग ज़्यादा ज़्यादा इसमें बियर्ड्स और हेयर्स में मिलेगा, क्योंकि जो सुशांत सर का फेस स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी तरह का रफेस नहीं मिल रहा है, जस्ट डैट्स वाई यहाँ पे बहुत स्मूथ है। इसीलिए हमें आराम से वो सारी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत ही आराम तरीके से सारी डिटेलिंग्स को ध्यान देते हुए और बहुत ही अच्छे तरह से शेडिंग करते जाएंगे। एंड गाइज, यहाँ पे हम लोग स्लिप्स के लिए चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे जो कि मीडियम साइज़ का होने वाला है। यहाँ पे जो लिप्स है उसमें हल्की सी डिटेलिंग ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो हल्की डिटेलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ ग्रेफाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका हम लोग यूज़ कर देंगे फॉर एग्जांपल 6B 8B फॉर डार्कर वैल्यूज़ एंड 2B एंड 3B फॉर लाइटर वैल्यूज़। तो ये डिपेंड करता है गाइस कि हम लोग का रेफरेंस किस प्रकार से है, जिस प्रकार से हम लोग का रेफरेंस होगा उसी प्रकार से हम लोगों को काम करना होगा। एंड गाइस, आप लोग यहाँ पे चारकोल पाउडर यूज़ कर सकते हो फॉर मोर डार्कर वैल्यूज़। एंड डार्कर वैल्यूज़ में आप यहाँ पे ग्रेफाइट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा डार्केस्ट वैल्यू है तो वहाँ पे ऊपर से कुछ भी तरह का आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करोगे तो फिर चारकोल पेंसिल के ऊपर तो ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ नहीं होता, तो इसीलिए आप यहाँ पे पाउडर ही यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटिंग पोर्शंस के लिए मोनोज इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। गाइज, हमें यहाँ पे अपने मोनोज इरेज़र को बहुत ही लाइट पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो लिप्स के पोर्शंस उसमें हल्के हल्के से वाइटनिंग आ रहे हैं। एंड बहुत ही अट्रैक्टिव लगाना है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम लोग फोकस देंगे तो वो ज़्यादा मिट जाएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा लाइटनिंग आएगी, ज़्यादा वाइटनिंग आएगी, दैट्स वाई वहाँ पे हम लोग को रेफरेंस के हिसाब से बिल्कुल भी सेम नहीं लगेगा। तो फिर दैट्स वाई हम लोग को वहाँ पे बहुत ही आराम तरीके से पकड़ना है, बिल्कुल फोकस करके, और हम लोग को ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। एंड गाइज, के बाद चलते हैं हम लोग अपने अपने सुशांत सर के अपर पोर्शन की तरफ। तो गाइज, यहाँ पे स्किन टोन्स के लिए भी मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज, जहाँ पे लाइट पोर्शन है वहाँ पे हम लोग बिल्कुल ही छोड़ देंगे वहाँ पे, क्योंकि बहुत ही लाइट, जैसे कि यहाँ पे हल्का सा स्किन टोन में वहाँ पे हम लोग छोड़ें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही वहाँ पे सीधा एक वाइटनिंग आ रही थी, डेट्स वहाँ हम लोग छोड़ दिए। एंड जहाँ पे भी डार्केस्ट प्लेस है तो वहाँ पे हल्का सा फोकस आप कर सकते हो, हल्का सा प्रेशर अप्लाई कर सकते हो आप मैकेनिकल पेंसिल पे। एंड जहाँ पे लाइट पोर्शन है वहाँ पे बहुत ही लाइट पकड़ना है। एंड आप लोग को जिस टाइम बैठोगे इस तरह के स्केच करने के लिए, तो आप लोग को आ जाएगा कि कहाँ पे हम लोग को प्रेशर अप्लाई करना है एंड कहाँ पे अप्लाई नहीं करना। एंड गाइस, हम लोग यहाँ पे बियर्ड्स पोर्शंस के लिए भी मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, जिस टाइम हम लोग को आउटलाइन बना रहे थे तो उस टाइम हल्का हल्का जो हेयर्स विजिबल था तो वो हेयर्स को हल्का सा गवा लेना है। एंड उसके बाद हम लोग पूरे पोर्शंस को एक तरफा से करके स्मच कर देंगे तो हम लोग को बियर्ड्स पोर्शंस मिल जाएंगे। तो मैकेनिकल पेंसिल से बिल्कुल ही ब्रेन जैसे मैंने बनाया था उसी तरह बिल्कुल भी उसी तरह करना, स्मच कर देना है। एंड जहाँ पे हम लोग को हेयर्स विजिबल है वहाँ पे आउटलाइन बनाना है, एंड उसी तरह से सेम प्रोसेस से हल्का हल्का गबाना है। एंड गाइस, जहाँ पे भी आप लोगों को हेयर्स हल्का डार्केश वाले लगते हैं तो वहाँ पे हल्का सा आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 6B 4B 8B, जिस प्रकार से आप लोगों को डार्कनेस चाहिए बियर्ड्स पे एंड रेफरेंस पिक्चर के हिसाब से, तो आप उस तरह से आप स्केच का स्केच अचीव कर सकते हो। सो गाइस, मेक श्योर कि आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें एंड कमेंट करें कि आप लोगों को किस जगह पे दिक्कत आ रही है एंड किस तरह से मैं और आपके लिए स्केच बना सकूँ।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड टेक केयर।